पिछले साल के मुकाबले अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में प्रदूषण काफी कम है और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन तारीफ करनी होगी इसमें दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि जो पटाखे हैं वो नहीं जलाएं, सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाएं और 8 से 10 बजे के बीच, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार अवैध पटाखे सीज कर रही थी। और जब दिवाली लोग मना रहे थे तो सड़कों पर दिल्ली पुलिस थी। हमारे साथ न्यू दिल्ली के DCP और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन दिल्ली के पुलिस के मधुर वर्मा जी हैं। मधुर जी, दिवाली के दिन क्या एक्शन लिया आपने, क्या कार्रवाई की? दिल्ली पुलिस ने दिवाली के दिन जो लोग 8 से 10 की जो पटाखे चलाने की सीमित ये टाइम था उसमें जिन्होंने वायलेट किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लगभग 562 FIR रजिस्टर करी हैं, जिसमें 398 लोगों को गिरफ्तार करके बेल पे छोड़ा गया है। और इसमें 72 FIR जो हैं वो एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर भी हैं, जिसमें हमने 1700 किलोग्राम पटाखे सीज किए हैं। और दिल्ली में कल बीती रात लगभग 1400 PCR कॉल्स आई थी, जहां से इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि कहीं 8 बजे से पहले पटाखे चल रहे हैं या 14 या 10 बजे के बाद पटाखे चल रहे हैं। तमाम PCR कॉल्स पे PCR का स्टाफ और लोकल पुलिस पहुंची, और अगर कहीं पे बच्चे चला रहे थे तो उनको उनके खिलाफ भी अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और दिल्ली में इंश्योर किया गया है कि लोग जो ये सीमित टाइम की जो सीमित टाइम था उसी में पटाखे चलाएं। और केवल दिल्ली पुलिस ने इस साल कोई टेम्प्रेरी फायर क्रैकर लाइसेंसेस भी नहीं दिए, ताकि कोई, क्योंकि मार्केट में PISO सर्टिफाइड या ग्रीन पटाखे अवेलेबल नहीं थे, ताकि कोई इन टेम्प्रेरी लाइसेंसेस के द्वारा या कोई परमानेंट लाइसेंसेस भी हो वो कोई नॉन PISO सर्टिफाइड पटाखे या लड़ीदार पटाखे ना बेच सके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश हुआ उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई थी। और पहला सवाल, दूसरा सवाल यह है कि आप लोग तो एक्टिव थे ही, लेकिन 1400 PCR कॉल ये भी बता रही है कि लोग भी शिकायत कर रहे थे, मतलब आपको? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसमें मासिव अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया था, इसमें न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, रेडियो जिंगल्स के थ्रू और साथ ही इवन एयरटेल और जियो मोबाइल से के थ्रू भी हमने लोगों को SMS कैंपेन भी किया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम को SMS दिए गए थे कि पटाखे बजाने का टाइम केवल 8 से 10 बजे तक का ही है और वो भी केवल ग्रीन क्रैकर्स ही आप बजा सकते। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।